स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो आज से 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और ऐसी न्यूज़ आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्जाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जाम्पल दूं एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं, एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो, लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती, वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या, एक बॉल छूट गई, वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी, अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है? नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है, बॉल मिस हो गई कोई बात नहीं, तैयार रहो, बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जाकर के बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है, कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस, दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो, आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई, लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का, एक ही बॉल में उन पांच बॉल्स की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, वो एक दिन।
समझ गए? जिंदगी खेल है, ज्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया, अब उसके बाद भी बैठना नहीं है। यहां मैंने छक्का मार दिया, वो 10 साल पहले मैंने छक्का मारा था। अरे क्या हो गया, 10 साल बहुत पीछे है, आज क्या कर रहा है ये मैटर करता है। तो करना क्या है, चाहे बॉल छूटे या छक्का पड़े भाई, खेलते रहो, मरते दम तक जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसको देखते रहो। ध्यान अपना लाइफ के ऊपर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है। ये टेम्पररी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नजरें गड़ाए रखनी है, एक के बाद एक बॉल आएगी और कोशिश करते रहना है।